क्या ये वर्ष सुख का वर्ष है? यदि आप इस वर्ष को परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार व्यतीत करेंगे तो ये आपके लिए सुख का साल है। परमेश्वर के पवित्र वचन अय्यूब नामे किताब के 36 अध्याय और इसका 10 और 11 वचन, वह उनके कान शिक्षा के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन। अब हम सबसे पहला हिस्सा देखेंगे। यहाँ कानों के बारे में लिखा है, कान तो सब मनुष्यों के हैं मगर परमेश्वर ने कान किसी खास मकसद के लिए दिए हुए हैं। मकसद ये हैं कि इन कानों से हम परमेश्वर के वचनों की शिक्षा लें। ये पिता परमेश्वर की योजना है। यशाया 50 और इसका 4 वचन, भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। पिता परमेश्वर का आपके लिए खास मकसद है। जब हम संसार के लोगों की सुनते हैं और परिस्थितियां और हालातों को देखते हैं तो हमें इस प्रकार लगता है कि हमारे दिन व्यर्थ हैं और साल सुख के नहीं हैं। मगर यदि हम अपने कानों का सही इस्तेमाल करें और हर सुबह हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो हमारा ये वर्ष सुख का वर्ष होगा। और परमेश्वर का मकसद क्या है? हम लोग बुराई से दूर रहें। फिर यदि हम परमेश्वर की सुन लें और परमेश्वर ही की ही सेवा करें, भाव उसके वचन के अनुसार सेवा करें तो हमारे दिन अच्छे होंगे और साल भी सुख का होगा। अब हम कानों के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 13 में बताया है। इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की बातें बताई है। इसका भाव यही है कि हम परिस्थितियां और हालातों को ना देखें, ना ही वो बातें देखें जो संसार के लोग बोल रहे हैं, वरन परमेश्वर की सुनना शुरू करें। मत्ती 13 अध्याय 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, जिसके कान हो सो सुन ले, भाव स्वर्ग राज्य की बातें सुन ले। फिर वह प्रभु यीशु मसीह का चेला जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज का प्रकाश दिया, वो प्रकाशित वाक्या 2 और 3 अध्याय में वार वार कलिसिया को यही चेतावनी दे रहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलिसिया क्यों क्या कहते हैं। यदि आप चर्च में हो, कलिसिया में हो, तो संसार की बातें सुनना छोड़ दें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और सुनकर उसी ही की सेवा करें और अपने आप को बुराई से दूर रखें। यदि आप स्वर्ग राज्य की सुनते हैं तो स्वर्ग राज्य में क्या है? रोमिया 14:17, परमेश्वर के राज्य में शांति और आनंद हैं। जब शांति और आनंद इकट्ठे मिल जाते हैं, इन दोनों के बीच में सुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप इस साल एक निर्णय लें, मैंने परमेश्वर ही की सुननी है, स्वर्ग राज्य की बातें सुननी है। इस काम को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। रोमिया 8 और उसके 26 वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपकी विनती को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे और उसी की इच्छा आपके ऊपर प्रकट होगी। परमेश्वर की इच्छा यही है जो उसके वचन पर विश्वास करता है उनको सुख दें। इसलिए विश्वास के साथ बोलें कि जे साल मेरे सुख का साल है।
मेरी आपके परिवार के लिए यही दुआ है कि परमेश्वर आपको इस वर्ष शांति और आनंद दे, और शांति और आनंद से आपका घर सुख के साथ भर जाए। आमीन। यदि पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो इस मैसेज को अन्य मसीही भाई बहनों को भी शेयर करें। आमीन।